दोस्तों, अगर आपने घर पर कड़ी पत्ता लगा रखा है और कड़ी पत्ते की ग्रोथ नहीं हो रही तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बहुत कम देती हूँ, आई थिंक मैं साल में 3 से 4 बार पूरे फर्टिलाइजर देती हूँ, बाकी मैं इसको रखती हूँ प्रॉपर धूप। दोस्तों, समय पे की जाती है, ऐसा नहीं है कि आप अभी इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, नहीं, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करने के लिए डोरमेंसी पीरियड में जाता है जब इसके सारे पत्ते पीले हो जान लीजिए हमें किस क्वांटिटी में इनको डालना है, जिससे कि मेरा कड़ी पत्ता इतना घना रहता है और सर्दियों में भी लगभग ये दिसंबर तक आपका मेरा पौधा जो है इसी तरीके से घना रहेगा। और आपके पौधों में फंगस हो, कीड़े वगैरह लगा हो, आपकी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे आपकी नीम खली जो है वो प्रोटेक्ट करती है। आपने घर पर कड़ी पत्ता लगा रखा है और कड़ी पत्ते की ग्रोथ नहीं हो रही तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको अपने इस घने से, इस बुशी से कड़ी पत्ते का राज बताने वाली हूँ। मैं ऐसे कौन से फर्टिलाइजर यूज़ करती हूँ कॉम्बिनेशन बना के, जिससे कि ये मेरा कड़ी पत्ता ना पूरे साल इतनी अच्छी ग्रोथ करता है। आप रिजल्ट देख सकते हैं, बरगद के पेड़ के जैसे घना हो रखा है। और अगर आपने वो टिप्स फॉलो कर ली तो 101% आपका कड़ी पत्ता भी सेम मेरे कड़ी पत्ते की तरह हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन, ऐसी कौन सी खाद, ऐसे कौन से फर्टिलाइजर मैं अपने कड़ी पत्ते में देती हूँ जिससे कि मेरा कड़ी पत्ता इतना घना और इतना ग्रीन है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कविता तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डन ऑफ कविता। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे कड़ी पत्ते का साइज, उसकी ग्रोथ और उसका कलर देख लीजिए। अगर आपको एक भी इंसेक्ट्स मिल जाए, कोई भी फंगस दिख जाए तो आप बताना। दोस्तों पूरा पौधा आप देख सकते हैं, ग्रीन एंड लश ग्रीन कह सकते हैं। बहुत केयर नहीं करती हूँ मैं अपने पौधे की। अगर मैं आपको कहूँ कि फर्टिलाइज़र तो इसमें बहुत कम देती हूँ, आई थिंक मैं साल में 3 से 4 बार पूरे फर्टिलाइज़र देती हूँ, बाकी मैं इसको रखती हूँ प्रॉपर धूप में। दोस्तों अगर आप इसकी धूप में रखेंगे ना, इसको का कड़ी पत्ता इतनी अच्छी से ग्रोथ करेगा जैसा कि मेरा कड़ी पत्ता है। तो कड़ी पत्ते को बहुत ज़्यादा केयर की तो ज़रूरत नहीं है, मगर उसको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपने कड़ी पत्ते को ग्रीन नेट के नीचे या कहीं ऐसी जगह जहाँ उसको 1-2 घंटे की धूप मिल रही है तो वहाँ से उसे प्लीज़ हटा दीजिए। तो अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो आपका कड़ी पत्ता इसी तरीके से रहेगा। मेरे गार्डन में छत पर ये कड़ी पत्ता है और प्रॉपर दिन भर की धूप इसको मिलती है और तभी ये जो है ना इतनी अच्छी से ग्रोथ करता है। सेकंड, इसमें क्या चाहिए दोस्तों, इसको चाहिए हार्ड प्रूनिंग। अगर आपका कड़ी पत्ता एक सिंगल डंडी से यानी कि सिंगल ब्रांच से है तो आपका कड़ी पत्ता सुंदर नहीं दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सिंगल ब्रांच से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितनी सारी ब्रांचेस जैसा हो जाए तो आपको करनी पड़ेगी इसकी हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग आपको पता ही होगा दोस्तों, समय पे की जाती है, ऐसा नहीं है कि आप अभी इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, नहीं, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी थी फरवरी में। एक टाइम होता है इसका फरवरी में, दूसरा टाइम होता है आप इसके मानसून के टाइम पे इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ तो आप इसकी फरवरी में करिए हार्ड प्रूनिंग, क्योंकि मानसून तक इसमें क्या होता है, बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं तो हमें पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने में यानी कि कटाई करने में थोड़ा सा हिचक सी होती है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्लांट हम काट रहे हैं। तो अगर आपका प्लांट अगर सर्दियों में बिल्कुल पत्ते रिमूव हो जाते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, 1 महीने के लिए डोरमेंसी पीरियड में जाता है जब इसके सारे पत्ते पीले हो जाते हैं, अगर आप उसमें रहने देंगे तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। बट मैं पूरे दिसंबर तक मेरा ये पत्ता गड़ी पत्ता ऐसा ही रहता है, ओनली जनवरी में इसकी कंडीशन जो है थोड़े से इसके पत्तों का जो कलर है वो पीला हो जाता है। तो मैं इनके पत्तों को यहाँ से इस तरीके से पूरे जो है निकाल के एक पॉलीथिन में बंद करके और फ्रिज में रख देती हूँ और पूरे साल मैं इसके कड़ी पत्ते को यूज़ करती हूँ। जैसा कि आपको पता है किचन में कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो अगर आप भी दिसंबर तक चाहते हैं मेरा प्रॉपर दिसंबर तक ये ऐसे ही ग्रीन रहता है तो फर्स्ट मैंने आपको बताया धूप में रखिए प्रॉपर अपने प्लांट को, फुल धूप चाहिए, ये फुल धूप टॉलरेट कर लेता है।
सेकंड आपको इसकी करनी है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग का टाइम मैंने आपको बता दिया है, आप फरवरी या मानसून के टाइम पे इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जब आपके पौधे की सिंगल ब्रांच होती है तब आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कीजिए। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ से सिंगल्स यहाँ से कट किया तो एक ब्रांच ये भी आ गई, और आप यहाँ पे से भी देखेंगे ना, मैं एक सिंगल ब्रांच से अपने कड़ी पत्ते को लेके आई थी, बिल्कुल पतली ब्रांच। आपको पता ही होगा जब नर्सरी से आता है कितना पतला पौधा होता है, आई थिंक इससे भी पतली ब्रांच थी मेरी, एक सिंगल ब्रांच। उसको मैंने प्रून किया तो दो ब्रांच आई। नेक्स्ट ईयर मैंने उसको प्रून किया तो तीन से चार ब्रांच। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर जाते जाते ये अपनी मल्टीपल ब्रांचेस ले लेता है, और इसी तरह कड़ी पत्ता बिल्कुल बरगद के पेड़ के जैसे हो जाता है। तो अभी तो ये पेड़ की शेप ले रखी है, और मैंने देखो हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल हरा भरा और घना पौधा ज़्यादा सुंदर लगता है, बजाय कि लंबा लंबा जाए और उसमें पत्ते भी ना हो। तो मेरा ये होता है कि नीचे से पत्ते आए और पूरा जो है पौधा बिल्कुल शॉर्ट स्मॉल ट्री होता है ना, उसकी शेप में रहे। तो ऐसा ही मैंने इस पौधे को बना रखा है। अगर आप भी चाहते रहते हैं ऐसा ही करें तो आप यहां यहां से इसकी ट्रिमिंग कर दिया कीजिए। जैसे ही आपको लगता है ऊपर से पत्ते हल्के से पीले हो रहे हैं या हल्की हल्की ट्रिमिंग करेंगे ना तो भी आपका पौधा जो है वो घना हो जाएगा। तो दो टिप्स मैंने आपको बता दी जो कि मेरा राज है कड़ी पत्ते को घना करने का, तो ये तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। थर्ड, मैं अपने कड़ी पत्ते को देती हूँ ये फर्टिलाइजर्स, और बहुत ज़्यादा नहीं देना इन्हें भी हमें, इनकी क्वांटिटी आप जान लीजिए हमें किस क्वांटिटी में इनको डालना है, जिससे कि मेरा कड़ी पत्ता इतना घना रहता है और सर्दियों में भी लगभग ये दिसंबर तक आपका मेरा पौधा जो है इसी तरीके से घना रहेगा, और अगर आप भी इसको फॉलो करेंगे तो आपका भी पौधा इसी तरीके से घना रहेगा। तो फर्स्ट आप देखेंगे तो ये है मेरी वर्मी कंपोस्ट जो कि मैं अपने कड़ी पत्ते को देती हूँ। तो आप अगर गोबर की खाद यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए, मगर गोबर की खाद होनी चाहिए बहुत ज़्यादा पुरानी। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तभी ये आपके पौधे को फ़ायदेमंद करेगी, नहीं तो नुकसान करेगी। इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हमारे डेली में मिल जाती है इजीली, और गोबर की जो खाद है यानी कि काउडंग कंपोस्ट जो है वो अच्छे से डिकम्पोस्ट नहीं हो रखी होती है, लोग ऐसे ही सेल करने लग जाते हैं जिससे कि हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है, पौधे में कीड़े पड़ जाते हैं, फंगस हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा हल्का सा भी है ना डाउट तो प्लीज़ आप गोबर की खाद मत यूज़ कीजिए। वैसे गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है, बट गोबर की खाद बहुत ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, तभी गोबर की खाद आपके पौधों के लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो मैं इस टाइम फ़िलहाल वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं लगभग 2 से 3 मुट्ठी मैंने 14 इंच के गमले में ले रखी है। ये आप देखेंगे तो एक मुट्ठी मैंने इसमें नीम खली ले रखी है। नीम खली जैसा कि आपको पता है आपके पौधों में फंगस हो, कीड़े वगैरह लगा हो, आपकी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे आपकी नीम खली जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपके पौधे को। थर्ड मैं दे रही हूँ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट आपके जो पौधे में कैल्शियम और फॉस्फेट का सोर्स होता है, आपके पौधे में उसकी कमी को पूरा करता है, आपके पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, और इसे आप अपने सभी पौधों में दे सकते हैं। तो ये भी देना बहुत ज़रूरी है, और इससे अच्छा बोन मिल होता है, और बोन मिल आपको जैसा पता है कि जानवरों की हड्डियों का चूरमा होता है, तो अगर आप उसको नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बोन मिल यूज़ कीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको अल्टरनेट बता दिया है कि आप बोन मिल की जगह रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं उनका जो होता है अवशेष, उनका चूरमा, उनका पाउडर होता है, तो इसमें कैल्शियम का सोर्स बहुत अच्छा होता है, तो हमारे पौधों को कैल्शियम का भी होता है, तो इसलिए हम इसको रॉक फॉस्फेट को दे सकते हैं। अब ये फोर्थ जो आप देख रहे हैं ना, हल्दी, हल्दी भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है इसमें, तो इसे भी आप अपने पौधे में दीजिए जिससे कि आपके पौधा जो है उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, लीफ मोल्ड नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कड़ी पत्ते में, आप देखेंगे आप ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स हो जाते हैं, तो आपकी मिट्टी को प्रोटेक्ट करता है ये चार चीज़ें। और लास्ट में अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके घर में ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहती है और आप उसको फेंक देते हैं, तो आज के बाद उसको आप नहीं फेंकेंगे। पहले हम डाल लेते हैं इनको कि किस तरीके से इनको देना है, क्योंकि ऐसे ही आप सब चीज़ें नहीं दे सकते हैं, उसका भी एक तरीका होता है जिससे जिस तरीके से आप देंगे तभी आपके पौधे को फ़ायदेमंद करेगी। और दोस्तों ये जो खाद है ना ये आप बार बार नहीं दे सकते हैं, आप लगभग इसको 1.5 महीने में दीजिए, 1 महीने के गैप में दीजिए, बहुत ज़्यादा आपने नहीं देनी है, बस इसको चाहिए धूप
और इसको चाहिए प्रोनिंग, तो आपका पौधा वैसे ही जो है बहुत घना हो जाएगा। सिंगल सिंगल ब्रांचेस का पौधा होता है तो वो घना नहीं हो पाता, जब तक आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक वो डबल ब्रांच भी नहीं आएगी। और आप सोचेंगे कि बिना प्रूनिंग करे आपका पौधा घना हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको हर एक पौधे में अप्लाई करोगे तभी आपका पौधा जो है वो घना होगा। तो हमें इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, कैल्शियम के लिए ना आप इसमें चौक वगैरह का पाउडर भी डाल सकते हैं। बन गया हमारा मिक्सचर। अब मैं अपने पौधों को देने जा रही हूँ, क्योंकि मेंसी टाइम होने वाला है, तो पहले ही मैं इसको जो है ये फर्टिलाइजर दे देती हूँ ताकि ये दिसंबर तक इसी तरीके से घना रहे। तो हमें कर लेनी अपने पौधे की मिट्टी इस तरीके से ढीली, तो मैंने हल्का सा पहले ही ढीली कर ली थी। तो आप हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा जड़े वड़े नहीं डिस्टर्ब करनी है हमें, हल्के हल्के हाथों से अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है। और अच्छा दोस्तों, अगर आपके पौधा रूट बॉन्ड है तो भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है, तो रूट बॉन्ड आपको पता है चेक कैसे करते हैं, नीचे से होलो को ऐसे करके देखना है, अगर आपकी जड़ें बाहर आ रही है इसका मतलब आपका पौधा रूट बॉन्ड है। तो आप अपने पौधे की रिपॉटिंग कर लीजिए, ठीक है। आप ये देख रहे हैं मेरा पौधा भी इस साल मैंने करी थी रिपॉटिंग, बट फिर भी साल होते होते जो पौधा की इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है ना, उस हिसाब से इसमें रूट बॉन्ड होने लग गया मेरा पौधा। तो मैं अभी इस साल इसकी अब नहीं करूंगी, अब मैं इसकी दोबारा से फरवरी में ही रिपॉटिंग करती हूँ, उसको खाद वगैरह डालती हूँ, फिर ये दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। मतलब मेरा जो टाइम है, मैं अपनी बात कहूँ तो मैं फरवरी ही लेती हूँ इसको। फरवरी में मैं इसकी प्रूनिंग भी करती हूँ, हार्ड प्रूनिंग हो गई, रिपॉटिंग हो गई, इसको फर्टिलाइज करना हो गया, सब मैं फरवरी में करती हूँ ताकि मानसून तक मेरे बहुत अच्छे से हरे भरे पत्ते आ जाए। तो हमें कर लेनी है इसकी मिट्टी ढीली, और हमें यहाँ से हल्का हल्का जो है मिट्टी को ऐसे साइड करना है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा जगह बनानी है हमें बेसिकली, और जड़ों से दूर, ठीक है। तो ये हल्का सा हमने जगह बनाई, और अब ये जो हमारी खाद है इसको हम इस तरीके से देंगे जिससे कि हमारा पौधा जो है वो बहुत घना हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर पाएंगे कि मेरा कड़ी पत्ता बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे व्यूवर्स की ये कंप्लेन आती है कि हमारा कड़ी पत्ता तो ग्रोथ नहीं करता, आपका कड़ी पत्ता इतना घना कैसे है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए ताकि आप भी अपने कड़ी पत्ते को इस तरीके से घना बना सकें। तो ये देख रहे हैं आप, और इस तरीके से मैंने अपनी मिट्टी को दोबारा से ढक दिया, और फर्टिलाइज़र के बाद यानी कि खाद देने के बाद हमें अपने पौधे को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी उसी टाइम। तो दोस्तों, पानी मैंने ले लिया है, पानी हमने बहुत अच्छे से देना है। अच्छा, कोशिश करिएगा मिट्टी आपकी पहले से ड्राई हो, तब ये फर्टिलाइज़र बहुत असर करता है। तो ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, गीली मिट्टी में अपने फर्टिलाइज़र को मत दीजिए, उसको एक दिन छोड़ दीजिए आप थोड़ा सा, तो आपका क्या होगा उस टाइम आपका फर्टिलाइज़र जो है बहुत अच्छे से आपका जो है इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा, मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई, तो आप उस मिट्टी में हल्दी भी डाल देना, तो हल्दी से आपका पौधा जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह, कोई भी फंगस वगैरह जो है उससे ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, हल्दी का स्प्रे आप अपने पत्तों में भी कर सकते हैं जिससे आपके पत्ते हेल्दी रहेंगे। अब एक सुपर पावर फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो कि आप अपने पौधे में हमेशा कर लिया कीजिए, यानी कि हर 10 दिन में। ये जो है आप जो खाद देख रहे हैं ये आप महीने, डेढ़ महीने में यूज़ करेंगे, लगभग डेढ़ महीने में, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वो आप अपने पौधे में हर 10 दिन के गैप में या 15 दिन के गैप में यूज़ कर सकते हैं। हल्दी का स्प्रे कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है 10 दिन के गैप में, मगर जो खाद वगैरह है वो आपको हमेशा डेढ़ महीने में ही देनी है। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र जो है ये है, ये आप देखते ही होंगे, ये है आपका बटर मिल्क। आपके कड़ी पत्ता के लिए आप मानोगे ये एक वरदान है। इसमें ये एक पता है फर्टिलाइज़र भी होता है और एक पेस्टिसाइड भी होता है। आपका कड़ी पत्ता इससे इतना हेल्दी रहेगा। तो इसका जो इस्तेमाल है ना, मैं स्प्रे बॉटल में नहीं करती हूँ, मैंने इसको देखिए इसमें रख लिया है, क्योंकि स्प्रे बॉटल में करने से ये जो है ना ब्लॉक हो जाता है सारा स्प्रे बॉटल, और आपका स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाता है। तो इसको ना मैं ऐसे पत्तों में दे देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। आपके पत्ते में कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी हो ना प्रॉब्लम, तो वो आपके पत्तों से दूर हो जाती है, आपके पत्ते को प्रोटेक्ट करता है ये, एज ए फर्टिलाइज़र और एज ए पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। तो आप इस तरीके से अपने कड़ी पत्ता को हेल्दी
ग्रीन और घना बना सकते हैं। तो ये टिप्स फॉलो भी करिए और अपनी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका कड़ी पत्ता भी इस तरीके से ग्रीन रहे और हरा भरा रहे। तो इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ करके दिखा दी है, मगर आप इसको थोड़ा सा गैप में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कोई फर्टिलाइज़र दे दिया, कभी कोई फर्टिलाइज़र दे दिया, जिससे कि आपके प्लांट को जो है कुछ ना कुछ मिलता रहे। अगर कड़ी पत्ते के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके कड़ी पत्ते में कीड़े लग रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मैं मिलती हूँ दोबारा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।